अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हमारा माशाल्लाह जो अब चूज़ा तो नहीं कह सकते, मुर्गी है, मुर्गी जो हमारा पीएस है, पेरेंट स्टॉक है, वो 19 वीक का हो गया है। 19 वीक और पहला दिन आज लग गया। तो अब ये है कि पहले हम इसकी ना ग्रेडिंग किया करते थे, सैम्पलिंग लिया करते, तो अब माशाल्लाह हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं है। हमने असल में होता ये है कि जो लुमन कहता है कि 20 वीक तक जो है ना आपकी 50% प्रोडक्शन होनी चाहिए, और आज 19 वीक हो गए हैं और हमारी 1% अचीव हो गई है। माशाल्लाह आज 70 अंडे हमें आए हैं। तो असल में हमने प्रोडक्शन किस तरह रोकी हुई थी, हमने अपनी लाइट के लक्स कम किए हुए थे। वो लक्स इसलिए कम किए थे कि बर्ड जो है ना वो खुराक खाए और अपना वज़न अटेन करे, और वज़न पूरा करने के बाद एग लेइंग पे आए, फिर हम उसके बाद लक्स ऑफ द लाइट उसकी अब इंक्रीज़ कर रहे हैं। उससे ये होगा कि एक जैसा अंडा आएगा और सारा बर्ड इकट्ठा अंडा शुरू करेगा। तो आज हमारी मैनेजमेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो ज़रा डिफरेंट होंगे। पहले हम हर वीक सैंपल लिया करते थे, उसका वेट देखा करते थे, और हमने देखा कि माशाल्लाह हमारा हर वीक तकरीबन, मेरा ख्याल है चौथे या पांचवें वीक में हमारी 85% से कम यूनिफॉर्मेलिटी हुई थी, बाकी 100-100 चलती रही। पिछले वीक हमने किया, हमारे सारे जितने भी गार्ड थे उनका जो है ना 100% यूनिफॉर्मेलिटी आई, और ग्रेडिंग भी माशाल्लाह सिमिलर आई। तो आज हम ग्रेडिंग वगैरह नहीं करेंगे, लक्स ऑफ द लाइट मेजर करते हैं। तो अभी हमारा वैसे ये है कि अभी 12 घंटे लाइट दे रहे हैं, अभी पौने 13 घंटे, 20 मिनट कम 13 घंटे, ये डेली आप बताएं। हम 8 घंटे पहले दे रहे थे जब ब्रूडिंग में था, ब्रीडिंग में चल रहा था, तो 8 घंटे के बाद आपने 15 मिनट सुबह के बढ़ाए, 15 मिनट शाम के बढ़ाए, अब उसको एक्सटेंड करते करते पौने 13 घंटे पे आ गए हैं। और हमने इंशाल्लाह 20 वीक तक इसको जो है ना 14 घंटे पे लेके आना, और उसके बाद शुरू हो जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक तो टर्नओवर टाइमिंग ऑफ लाइट होती है, वो कितनी देनी है। 14 घंटे हम इसलिए रखेंगे कि हमारे पास 2 घंटे का मार्जिन हो, कि जब हमारा बर्ड 80-85% प्रोडक्शन पे चला जाए उसके बाद हमारे पास मार्जिन हो कि हम आधा घंटा 20 मिनट बढ़ा के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। तो ये 2 घंटे का हम अंदर एक रखेंगे जो है ना गैप। और दूसरा हम करेंगे ये कि लक्स ऑफ द लाइट मेजर करते हैं, 25 लक्स एवरेज लाइट होनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं हमारी कितनी लाइट चल रही है। तो नहीं था अभी तो बर्ड सो रहा होगा जी, क्यों लाइट बंद हो गई है। तो आ जाए फरहान साहब, आ जाए जी। ये देखिए माशाल्लाह जो है ना इस वक्त सारा, ये बर्ड की आदत होती है कि अंधेरा होता है या रात होती है तो ये इकट्ठे होके बैठ जाते हैं ना। तो ये हमारा लुमन ब्लैक की फीमेल और मेल इकट्ठा है। और फरहान साहब उधर दिखाइएगा, गुड मॉर्निंग हो गए हैं माशाल्लाह ना। तो ये अभी लक्स ऑफ लाइट है, ये रैंडमली हम देखते हैं। ये फार्मर्स अगर आप देखें तो ये आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, ये अगर आप करेंगे लक्स मीटर होता है, इसको आप ओपन करें, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में हो जाता। तो इसको जब भी आपने मेजर करना है आपने इसको मुर्गी के सर की हाइट पे करना। तो हम रैंडमली इसको मेजर करेंगे। इधर ये हमारा 1 लक्स आ रहा है जी, काउंट करें जी। ये हमारा इधर आ रहा है 45 लक्स आ रहा है, ये बिल्कुल बल्ब के नीचे है। इधर 3 लक्स आ रहा है, फोर लक्स है जी, फोर्टी लक्स है। आगे चलते हैं जी, ट्वेंटी फोर, चौबीस है शाह साहब, 43 है, 11 लक्स है, 11, 7 और 90 है। ये आप दिखाते हैं मुझे कितने लक्स लाइट हो गई है, लिखवाइएगा शाह साहब।
1 + 3 + 5 + 4 + 4 = 40 42 24 24 43 42 24 43 7 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 24 लाख एवरेज बन रही है जी। टोटल हमारी कैलकुलेशन जो आई है 216 आई है और 9 वैल्यूज हमने ली है तो 24 है। तो नहीं साहब वेल डन यार, ये माशाल्लाह 20 से 25 के दरमियान होनी चाहिए, अब आपकी जो है ना प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। नहीं साहब ज़्यादा मुर्गी किस एरिया में आपके जो है ना प्रोडक्शन पे है, उधर है ये इसी गार्ड में है, इसी में भी है। ये देखें ये जिन मुर्गियों की कलगियां जो है ना बड़ी हुई हैं, नहीं था वो वाली मुर्गी लाइएगा, वो मुर्गे के पास जो है। इसको बिठाए हैं ज़रा, ये देखिए ये मुर्गी बैठ गई है, इट मीन्स कि ये अंडे पे आ चुकी है या आने वाली। नहीं था पकड़िएगा इसकी बोन्स देखें, ये जी अंडा दे रही है जी, तीन उंगलियां। आप आपका क्या नहीं था ख्याल है, दे रही है तो माशाल्लाह। ये जो आ रहे हैं अंडे इसमें से आ रहे हैं, ये फ्रांसा ये दिखाइएगा मुझे तो माशाल्लाह जो है ना लुमन ब्लैक के मुर्गे बहुत आउट क्लास लगते हैं, इसका इरादा भी इस वक्त ख़राब लग रहा। तो फ्रांसा ज़रा खामोश रहिएगा, देखिएगा क्या करता। चले चले उसको शाह साहब, आप तंग कर रहे हैं उनको इज़्वाजी ज़िंदगी में। नहीं जी वो शर्मा रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं वो फ्रांसा। ये नीचे वाला मुर्गा देखें, ये ज़रा क्रॉसिंग पे जा रहा, आप ये वाला मुर्गा फोकस करके दिखाएं हमारे फार्मर्स को। ये माशाल्लाह जी आप चेक करें क्वालिटी ऑफ लुमन ब्लैक इसके मेल की, माशाल्लाह आउट क्लास है देख के अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जो है ना इसको कहते हैं ना वो पंजाबी में भूख जो है ना दूर हो जाती है। तो आ जाए जी आगे चलें, ये दिखाइएगा जी कंसिस्टेंसी ऑफ ड्रॉपिंग जो है, ये मुर्गी दिखाएं। अच्छा ये फरहान साहब ये दिखाइएगा, अभी चूंकि लाइट ऑन की है, ये फार्मर ये देखें ये जो इसकी बिट जिसको कहते हैं ये बेहतरीन ड्राई आ रही है। तो ये इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि वो दिखाइएगा कि बर्ड की हेल्थ बेहतरीन है। तो आप जब भी सुबह लाइट ऑन करें, एक जो बहुत अहम चीज़ होती है वो आपने देखना होता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ ड्रॉपिंग किस तरह की इसका जो है ना किस तरह का ये फ्लश आउट कर रही है। तो अगर वो इस तरह का ड्राई है और रिंग में आ रहा है तो इट मीन्स कि मुर्गी की हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है। ये दिखाएं फ्रांसा, ये भी दिखाइएगा, ये वाइट और इस तरह की सॉलिड होगी तो दिस इज़ दी आइडेंटिफिकेशन कि ये जो है ना हेल्थ बहुत अच्छी चल रही माशाल्लाह। नहीं साहब वेल डन। ये फ्रांस साहब ये भी दिखाइएगा। तो ये वो चीज़ें होती हैं फार्मर्स जो मेजर करना ज़रूरी होती हैं कि आपकी फीड आपके बर्ड की हेल्थ कैसी चल रही है। तो अगर वो अच्छी तरह डाइजेस्ट करके उसको फ्लश आउट कर रहा है तो इट मीन वो बेहतरीन है। ये आप देखें हमने नेस्ट जो है ना ये बंद कर देते हैं रात को ताकि बर्ड अंदर ना जाके बैठे और वो जो कहते हैं ना कुड़क की आदत ना उसको पड़ जाए। तो ये रात को बंद कर देते हैं, सुबह नहीं साहब फीड के साथ खोल देते हैं जिस तरह लाइटिंग ऑन। हाँ ये देखें ये नेस्ट जो है ना इसको सुबह खोल देंगे ताकि मुर्गी इस पर बैठ के अंदर जा सके और रात को बंद कर देते हैं। ब्रूडर हटा दिया नहीं साहब आपने, और फीड के बाद ये फीड लाइंस ऊपर कर देते हैं। एक चीज़ हम बताएं, ये एक्चुअली जो शेड था पहले ब्रायलर के परस्पेक्टिव से था,
ब्रायलर में तो उनको मैं 24 में से 16 घंटे फीड देनी होती है, आगे पड़ी रहे तो उसके लिए बेहतर होती है, मगर हमने कंट्रोल फीड देनी होती है तो हम पीछे ऑटो सिस्टम से नहीं डालते, हाथों से हम डालते हैं। अब चूंकि फीडिंग का टाइम नहीं है तो हमने इनको उठा दिया। नहीं सर, ये कौन सा गार्ड है, मीडियम है? लार्ज है ये। फरहान साहब ये मुर्गियाँ दिखाइएगा आप, ये कलगी वाली मुर्गी पकड़ते हैं ज़रा, डेढ़ ही अंडा उसकी हैबत से पता चल गया। एक चीज़ है कि ये ऐसे ही है कि जो मुर्गी अंडे पे होती है ना वो बड़ी शांत होती है, आराम से पकड़ी जाती है, और जो अंडे पे नहीं होती वो बड़ी कड़क कड़क कड़कती है। जैसे ये देखें, ये बड़े आराम से बैठी हुई है। और नहीं साहब अभी शुरू करने लगी है, दिया नहीं उसने किया, ये दे रही है। कोई ऐसी भी पकड़े जो अभी अंडा नहीं दे रही ना, ये अभी नहीं था, शुरू कर रही है अभी, दो उंगलियाँ ऑलमोस्ट उनकी सारी हमारी अंडे पे। ये देखे ना, इसने अभी अंडा शुरू नहीं किया तो ये ज्यादा अग्रेसिव है। माशाल्लाह ही नहीं था, सारी एक ही पोजीशन में मुर्गियां। फार्मर्स आप भी दुआ कीजिएगा, 1% प्रोडक्शन हो गई है, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे कि हम फार्मर्स की उम्मीद पे पूरा उतर सकें, और जो है ना उन तक एक क्वालिटी चिक पहुंचा सकें। अब आगे हेचरी का काम शुरू हो गया। फरहान साहब ये दिखाइएगा हमारे फार्मर्स को ना, माशाल्लाह। ये रात को ये बर्ड की आदत होती है, इकट्ठा होकर बैठ जाता है, तो चूंकि लेट नाइट हम आए हैं, लाइटें बंद की हुई थी तो ये मेरे विजिट के लिए इन्होंने चलाई हैं, तो ये सारा बर्ड देखें इकट्ठा हुआ हुआ। ले जी फार्मर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो था हमारा विज़िट वो आपके नॉलेज में कुछ इजाफा कर पाया होगा। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300-9641-990 पे आप व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आप तक एक क्वालिटी आंसर पहुँचाएँ। नबील को, फरहान साहब को, नईम साहब और शाह साहब को पी एस फार्म से इजाज़त दें, आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं भी सर 7% का देता हूँ।